अब आज एक नई गेम खेलते हैं जिसका नाम पिपा कॉम्बैट। और पिपा कॉम्बैट जो है वो बड़ी अच्छी गेम है। पिपा कॉम्बैट 3D काइट फ्लाइंग प्ले स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगी। आप इसे ओपन करें डाउनलोड करने के बाद। इसका जी 3D वेरिएंट बड़ा लेटेस्ट है और बहुत अच्छा है। आपने अगर फेस्टिवल में जाना है तो आप इसको ऑफलाइन खेल सकते हैं। अगर आपने वन प्लेयर खेलना है तो आप वन प्लेयर पे भी खेल सकते हैं, लाइक आप कंप्यूटर के साथ खेलेंगे। टू प्लेयर में दोनों एक्सेस आपके पास होती हैं, आप दोनों तरफ से खुद से कमांड दे सकते हैं और खुद से खेल सकते हैं। और जो बेस्ट पार्ट है इस गेम का, ये ऑनलाइन खेली जाती है, उसमें मल्टीप्लेयर। ये प्लेयर्स की लिस्ट है, इनमें से कोई भी प्लेयर आप चूज कर लें। मैं चूज़ कर रहा हूँ दिस वन, इसको प्ले पे क्लिक करता हूँ। और ये इसकी लॉबीज़ हैं, इन लॉबीज़ के अंदर रूम्स हैं, उन रूम्स के अंदर प्लेयर बैठे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले वाले लॉबी को क्लिक करता हूँ, पहले वाले सर्वर को। इस सर्वर के अंदर अभी रूम्स खुल जाएंगे। ये रूम्स हैं, 36 रूम्स हैं। 36 में आपको स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, किस रूम में कितने लोग बैठे हैं। लेट्स सी, मैं रूम नंबर 5 में चला जाता हूँ। यहाँ पे 7 प्लेयर्स हैं। ये जनाब गेम के रूम में आ गए। ये आपको होम इंटरफेस नज़र आ रहा है जहाँ पे काइट फ्लाइंग चल रही है। जनाब ये निशान साहब हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है मेरे करेक्टर के ऊपर। आप अपने स्क्रीन पे दिए हुए ये राइट साइड पे जो लेफ़्ट साइड पर जो ये स्क्रोल है, इसको आप मूव कर सकते हैं। आप जिस डायरेक्शन में, जिस जगह पे जाके अपने प्लेयर को खड़ा करना चाहें। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप किसी भी प्लेयर के साथ खड़े होंगे और आप काइट चूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको कमांड आ जाएगी स्टे एटलीस्ट 7 मीटर्स फ्रॉम डिस्टेंस। आपको 7 मीटर्स का डिस्टेंस रखना है दूसरे प्लेयर से। ये डिस्टेंस में थोड़ा ठीक है। ये काइट्स की रेंज है जनाब, जो काइट आपने चूज़ करनी है आप उसको पिक करो। ये नीचे डोर है, ये डोर सेलेक्ट करो, ओके करो, स्क्रोल अप करते जाओ, आप काइट फ्लाई कर रहे हो, राइट। अब इसके अंदर एक और मज़े की चीज़ ये है कि इसके अंदर 4 एंगल्स हैं, ठीक है। ये मेरा काइट कट गया, मेरा गुड्डा कट गया, मैं दोबारा उड़ा रहा हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए, मैं इसके 4 मोड्स हैं। मोड नंबर 0 पे मैं उड़ा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं मोड नंबर 1 पे जाऊँगा तो ये इस तरह से शो करेगा, ठीक है। सिर्फ वो नहीं पता चलेगा चैलेंज के लिए। लाइक अगर मैं किसी के साथ चैलेंज करके उड़ा रहा हूँ, 2 प्लेयर हैं और हम 2 ही सिर्फ फाइट चैलेंज करेंगे, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल लाइव भी नज़र आता है इससे आपको, बिल्कुल लाइव। ये मैं जिसके साथ भेजा करने जा रहा था, रास्ते में किसी ने मेरी काट दी। और चौथा व्यू है जनाब, बेस्ट व्यू है, वो व्यू है, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, ये वाली वो व्यू है 3 नंबर। अब वो पतंग वाले व्यू से अपने प्लेयर को देखते हैं, इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपकी पतंग इस रेंज में, इसके ऊपर कौन कौन अटैक करने आ रहा है। तो आप इस 20 पेचेज, मतलब 20 कॉम्पिटिशन जो होते हैं उनमें से जो जल्दी 20 कार्ड देता है वो विनर है।